हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना मलिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हरियाणा करंट अफेयर्स की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे नॉर्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, बी वाला भास्कर को। बी वाला भास्कर को नॉर्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले बी वाला भास्कर MEA के वन क्षेत्र के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और बात की जाए कि किनका स्थान लेंगे, तो ये जुलाई 2018 से नॉर्वे में भारतीय मिशन की कमान संभाल रहे कृष्ण कुमार का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट ऑप्शन बी रहेगा, नई दिल्ली में। छठी भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव। चौथे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मालदीव में किया गया था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व तो किसने किया था इस सम्मेलन में? तो जयशंकर ने किया था, विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व तो किया था। और इसकी थीम क्या थी चौथे हिंद महासागर सम्मेलन की? इसका मुख्य जो विषय था वो था हिंद महासागर अक्षेत्र की सुरक्षा करना। और ये कब हुआ था? तो ये 3 से 4 सितंबर 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुरुग्राम में आयोजित 16वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, आदिताभ गुप्ता। आदिताभ गुप्ता ने गुरुग्राम में आयोजित 16वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हांसी ब्रांच नहर की अक्षमता कितनी की गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, 8000 क्यूसेक। हाल ही में हांसी ब्रांच नहर की अक्षमता 8000 क्यूसेक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान और पाकिस्तान में ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाला दुर्लभ प्रजाति का पक्षी डेजर्ट फिच हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, सिरसा में देखा गया है ये पक्षी। और अगर प्रॉपर जगह की बात करें, सिरसा की जगह आपको ऑप्शन में आपको नाथुश्री चोपता भी मिल सकता है। ये पक्षी सिरसा के नाथुश्री चोपता में दिखाई दिया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी भारत में पहली बार दिखाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता के लिए संघर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, जो कि दलबीर भारती द्वारा लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो है ना इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और डिप्टी स्पीकर होता है विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं। हाल ही में जो डिप्टी स्पीकर है वो है रणबीर गंगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस प्रसिद्ध मंदिर भवन के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी गई है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतला माता मंदिर। मुख्यमंत्री ने शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, REC फाउंडेशन के सहयोग से 100 से ज़्यादा प्रतिभागी परीक्षाओं की किस परियोजना के तहत 10,000 विद्यार्थियों को CASC के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लक्ष्य वाहिनी योजना के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को शपथ सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा दिलाई गई है। सत्यदेव नारायण आर्य भारत के सॉरी हरियाणा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम सिखों के नौवे गुरु के नाम पर रखा गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, यमुनानगर। यमुनानगर में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम सिखों के नौवे गुरु के नाम पर रखा गया है, यानी कि तेग बहादुर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस गांव में अपने महाबलिदान के लिए जाने वाले भाई खुशाल सिंह के सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बड़खालसा। और बड़खालसा गांव सोनीपत जिले में पड़ता है।
इसके पीछे कहानी है, ये कुशाल सिंह दहिया है, कुशाल सिंह दहिया है, ये कुशल भी मिलता है कई जगह लिखा। तो इन्होंने मुगलों को बेवकूफ बनाया था क्योंकि इनकी जो इनका फेस था, इनकी कदकाठी थी, वो तेग बहादुर जो सिखों के गुरु हैं उनसे मिलती जुलती थी। तो इन्होंने अपने सिर को कटवा कर मुगलों के सामने पेश कर दिया था, पेश भिजवा दिया था, क्योंकि जो तेग बहादुर थे, ताकि उनके शीस को आनंद साहिब में दाह संस्कार के लिए भेजा जा सके, तो उनके लिए इन्होंने अपना शीस मुगलों के पास भिजवा दिया था, कटवा कर बलिदान दे दिया था। तो इसलिए इनके सम्मान में इनकी प्रतिमा स्थापित हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस गांव में दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फूसगढ़। मुख्यमंत्री द्वारा फूसगढ़ गांव में दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किया गया है, और फूसगढ़ की जगह आपको करनाल भी मिल सकता है ऑप्शन में, क्योंकि फूसगढ़ गांव करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? तो राइट ऑप्शन रहेगा बी नारनौल में। हरियाणा की सबसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी नारनौल में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल कब लॉन्च किया? तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, 4 जुलाई 2019। इसके अंतर्गत किसानों को पोर्टल पर किसान पंजीकरण और फसल पंजीकरण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जल संरक्षण की मिसाल बन चुका बैंडी गांव में बना तालाब किस जिले में स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ए यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम द्वारा हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक संग्रहालय का लोकार्पण किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किसके द्वारा स्थापित हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानुदत्त शर्मा के द्वारा हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस पर SICTE विश्वस्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट ऑप्शन ए रहेगा, नीलम दुहन को जो है ना ये पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली नीलम दुहन पहली शिक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ई टिकटिंग की शुरुआत कब से की जाएगी? राइट ऑप्शन रहेगा बी 22 मार्च 2022। 6 महीने के अंदर जो ये सेवा है सभी बस डिपो में लागू हो जाएगी, और इसके अंतर्गत 4500 ई टिकटिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विधेयक पर राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, राइट ऑप्शन ए नहीं बल्कि डी रहेगा, हरियाणा परिवार पहचान एक्ट। हाल ही में हरियाणा में विधेयक पर राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है, हरियाणा परिवार पहचान एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा को मिला है ये स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 साल का दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन ए रहेगा जीव मिल्खा सिंह, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और जो ये दुबई का गोल्डन वीजा होता है ये 10 साल के लिए होता है, तो ये वीजा 10 साल के लिए होता है, और इसके साथ ही जीव मिल्खा सिंह दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के की कोचिंग देनी शुरू की है? तो राइट ऑप्शन सी रहेगा, हरियाणा, और ऐसा करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एजुकेशन इंटरनेशनल सोसाइटी का शुभारंभ कब किया गया? तो राइट ऑप्शन रहेगा ए सितंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नवगठित हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी सरणदीप कौर ब्राड को। हरियाणा के नवगठित हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी
शरणदीप कौर बराड़ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकला देसवाल द्वारा रचित उलझी राहे का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशिखा के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,